नमस्कार दोस्तों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे, उन सभी मैंने पेपर से यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो की आप लोग के बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यही वो क्वेश्चन है जो इस बार भी आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं, तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इस टाइप का क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, इसलिए वीडियो पर बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इससे पहले क्लास को शुरू करें। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जिस पेपर में आप लोगों से पूछा गया था, ये था आप लोग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 1, 2 या फिर 3 तक देखा गया है और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर पेपर में। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, बारिश होने के बावजूद भी फसल की जो स्थिति है नाजुक बनी हुई थी, मतलब बारिश होने के बाद भी जो यहाँ पर क्रॉप की कंडीशन है वो क्रिटिकल है। तो देखिए, पहला निष्कर्ष क्या दिया गया यहाँ पर, बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। और आप लोग को दूसरा निष्कर्ष दे रखा है, क्या बारिश के बाद भी फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। तो अब आप लोग को यहाँ पर यह बताना कि पहले और दूसरे निष्कर्ष में से दिए गए कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ आप लोग को देखिए सोयले अक्षरों में दे रखा है, आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बारिश होने के बावजूद की जो है, बारिश होने के बावजूद ही फसल की स्थिति कैसी है, नाजुक है, मतलब बारिश होने के बाद ही फसल की कंडीशन जो बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है, यानी कि बारिश होने से पहले भी जो है फसल हमारी जो थी उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। और यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन में आपको क्या रखा है कि बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी, नाजुक नहीं थी गलत हो गया, क्योंकि बारिश होने से पहले भी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, तो पहला वाला तो कथन गलत हो गया पढ़ते ही, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर दे रखा है कि बारिश होने के बावजूद भी फसल की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है, मतलब बारिश होने के बाद भी उसकी स्थिति बहुत ही बेकार है, बहुत ही नाजुक बनी हुई है, तो पहला वाला तो साफ साफ गलत दे रखा है। आइए अब देखते हैं सेकेंड वाला निष्कर्ष सही निकल सकता है या फिर नहीं। तो बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल, जब भी संभावना वाला व्यक्त आता है 50-50% चांस होता है, तो वहां पर आप लोग का ये करेक्ट होगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आप लोग का सेकंड वाला निष्कर्ष सही निकलता है। तो दोस्तों, आप लोग का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका ए बी सी या फिर डी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष जो है सेकंड सही निकलता है। ओके गाइस, आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को इसमें क्या करना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वी का मान क्या होगा। दोस्तों, अगर हम लोग अल्फाबेट देखें जेड, इसके देखिए वाई, फिर हमारा क्या आता है आप लोग का यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एक्स डब्ल्यू इस तरीके चलता है ना, वी यू, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो नंबर दे दिया, जेड हमारा 1 हो गया, वाई 2 नंबर पे आ गया, एक्स 3 नंबर पे आ गया, डब्ल्यू 4 पर, वी 5 पर, और ये U आप लोग का 6 नंबर पे आ गया। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, वही हमें भी करना है, सिंपल सा यहाँ पर मेथड यूज करना है। तो देखिए, y हमारा 2 नंबर पे आता है, तो 2 का स्क्वायर किया हमारा 4 आ गया। अब देखिए, v हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे कि एक लॉजिक लगाना आपको, डी एफ एच जे से आपका आता है डब्ल्यू यू एस और क्यू, और इसी प्रकार से आप लोग का एच जे एल एन से क्या है आपको बताना है। तो क्या लॉजिक लग रहा है सभी लोग बताइए, ये आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग के पास पूरे 5 से 10 सेकंड का समय है, तो बताइए आराम से क्या आएगा इसका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, किसी का आया? ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को विपरीत देखना है। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा ए बी सी डी, फिर एन, एम का अपोजिट एन होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए डी का अपोजिट देखिए डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर डी का अपोजिट आप लोग को डब्ल्यू दिया गया, डी का अपोजिट आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डब्ल्यू दिया गया। ओके, ये आप लोग को मिल गया। अब देखिए एफ का अपोजिट क्या यू है, तो देखिए यहाँ पर F का अपोजिट आप लोग का U दे रखा है। ओके गाइस, अब देखिए H का अपोजिट S है, तो बिल्कुल यहाँ पर H का अपोजिट भी S है। इस प्रकार देखिए J का अपोजिट क्या है, Q है, तो
तो जे का अपोजिट क्या होगा आप लोग का क्यू होगा, तो बस देखिए आपका एच की जगह पे क्या आएगा, तो एच का आप लोग का एस आ जाएगा, जे की जगह आपका क्या आएगा क्यू आएगा, एल की जगह आप लोग का ओ आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा यहाँ पर एम आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वाला। तो करेक्ट आंसर है आपका एस क्यू ओ एम, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर विपरीत अक्षरों के योग में थे इसलिए आप लोग का आंसर क्या आएगा एस क्यू ओ एम आएगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंसेक्ट दे रखा है एंटोमोलॉजी, तो स्नेक क्या आएगा इसका, स्नेक का आंसर बताना है, तो फिलहाल ये आ जाएगा आप लोग का ऑफिलोलॉजी यानी कि सर्प विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर तो फिलहाल आपको हिंदी में दे रखा था, फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर में जो है आप लोग का ये सर्प विज्ञान ना देकर यहाँ पर भी आप लोग का लिख किया था इस तरीके से ऑफिलोलॉजी, ठीक है ऑफिलोलॉजी, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में दिया होता तब आप लोग नहीं समझ सकते। फिलहाल यहाँ तो काफी लेवल डाउन था इस पेपर का, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आना बिल्कुल तय है। चलिए दोस्तों अब आप लोग बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा आप लोग का, यहाँ पर ध्यान पर देखिए क्या यहाँ पर ए वाला आंसर करेक्ट होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। तो देखिए आपको दिया गया एक बाघ यानी कि टाइगर, एक आप लोग रखा सिंह और तीसरा रखा आपको जानवर, तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, ए बी सी या फिर डी। तो यदि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन था आप लोग भी जानते हैं, देखिए अगर ये बड़ा वाला सर्किल की बात करें तो ये एनिमल का, क्योंकि दोस्तों बाघ और शेर दोनों ही एनिमल्स हैं, तो लिख लिया एनिमल। अब इसमें एक आप लोग का क्या हो जाएगा, एक आप लोग का जो टाइगर हो जाएगा और दूसरा वाला आप लोग का इसका लाइन हो जाएगा, बाकी बड़ा वाला सर्किल जो एनिमल्स का है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का फिलहाल जो है थर्ड वाला हो जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये रहा आप लोग के सामने चार ऑप्शन, तो देखिए आप लोग का क्या करेक्ट आंसर है इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। दोस्तों ये होगा आप लोग का, या फिर आप लोग का करेक्ट आंसर ये होगा, या फिर दोस्तों आप लोग का ये होगा, या फिर ये, क्या लॉजिक लग रहा है सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट। देखिए आपको दे रखा है दो, फिर दे रखा है चार, फिर दे दिया गया छह, दो चार छह से आपका 32 कैसे हो गया सभी लोग बताइए, फिर दे रखा है तीन पांच सात, इससे 50 हो गया, तो आठ दस और बारह से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक लग रहा है, देखिए दो और चार को अगर चेक करें ध्यान से, लिखा है दो और चार, इसकी मल्टीप्लाई आपस में कराइए दो और चार की, उसके बाद छह और चार की इनकी मल्टीप्लाई आपस में कीजिए छह इंटू चार, ओके, तो क्या हो जाएगा चार दुनी आठ, छह चौक चौबीस, चौबीस और आठ जोड़ देंगे तो आप लोग का 32 आ जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका 32 आ गया। ओके देखिए क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, पांच दिया 15 लिखा प्लस 5 सत्ते 35 लिखा, 15 और 35 जोड़ा हमारा 50 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार से 8 धाम 80, ओके 12 धाम 120, 120 में 80 जोड़ देंगे तुम्हारा क्या जाएगा 200 आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 200। तो 200 इस प्रकार से गाइस हमारा आंसर जो आएगा वो सी वाला आ जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब आप लोग बताएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। टेबल एक आपको यहाँ पर भी दे रखी है और यहाँ पर भी आप लोग को जो है लॉजिक ही समझना है कि करेक्ट क्या होगा। तो देखिए आप लोग जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन वन दे रखा है, ऑप्शन आप लोग को टू दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर थ्री दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पर फोर दे रखा है, तो क्या आंसर आएगा आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चार है, तीन है, दो है और आठ है, इससे 32 आ गया, चार आठ दो तीन से 32 आ रहा है आप लोगों का। इसी प्रकार देखिए पांच तीन एक नौ से आप लोगों का 24 आ गया, सात तीन तीन सात से 70 आ गया, तो इसी प्रकार से आपको बताना दो सात दो नौ चार और बारह से क्या आएगा, क्या 84 आएगा, 120 27 या फिर 60, तो कैसे लगाना आइए जानते हैं। देखिए पहली रो देखिए, ये आप लोग की फर्स्ट रो है, पूरी फर्स्ट रो, इसमें ध्यान से देखिए आपको दिया गया चार मल्टीप्लाई के चार तीन बारह, बारह दुनी चौबीस, ठीक है ना, चार या बारह दुनी चौबीस और चौबीस में अगर आठ जोड़ देंगे, चौबीस में अगर आठ जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, आठ चार बारह घंटे का 32 आ गया। ओके गाइस, इधर देखिए मल्टीप्लाई पांच दिया पंद्रह, पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह प्लस नौ बराबर हमारा क्या आ गया 24 आ गया। अच्छा तीसरी लाइन देखिए हमारा सात तिया 21, 21 तिया 63 और 63 में अगर सात जोड़ देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 दुनिया 18, ठीक है, 18 चौक 72, 72 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो दोस्तों आप लोग का आ जाएगा यहाँ से 84। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, ए वाला आ जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ तक आप लोगों की। चलिए फिलहाल अब ये आप लोग के सामने एट्थ क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर लॉजिक आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए क्या आंसर आप लोग का, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, तो आपको दे रखा है यहाँ पर ए बी सी या फिर डी, तो करेक्ट क्या होगा आप लोग को बताना है यहाँ से।
ध्यान दीजिए, आप लोग को दिया गया 5, ठीक है, फिर आपका 10 दिया गया, उसके बाद आप लोग का पता नहीं क्या आएगा, फिर आप लोग का 50 है, फिर 122 है। तो लगाइए जल्दी से गाइस, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आता हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बताइए आप लोग, आप लोग के पास पूरे 5 से 10 सेकंड का समय है, तो सभी लोग आराम से समय का सदुपयोग करिए और बताइए गाइस कि इसका आंसर जो आप लोग का क्या आएगा। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं लॉजिक आपको क्या लगाना है, सिंपल सा है। अब देखिए 5 है, 5 आपको दे रखा है, अगर 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 4 = 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम लोग लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आप लोग का अगला देखिए 2 3, जो भी हमारे आभाज्य संख्या है 2 3, इसके बाद आपका आता है 5 का स्क्वायर किया हमने, तो 5 का स्क्वायर 25 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 26 आएगा, ओके। इसके बाद देखिए 6 को छोड़कर 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो हमारा 50 आएगा, ये देखिए 50 आ गया। अब देखिए क्या 9 का स्क्वायर करने पाएगा, 9 × 11, हम लोग सारी अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 और 2 122 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 4th वाला आंसर राइट होगा, ओके गाइस। चलिए फिलहाल अब आपको बताना है यहाँ पर प्रश्न आकृति आपको दे रखी है, छुपी हुई आकृति याद करनी कौन सी होगी, तो क्या फर्स्ट वाला होगा, ये आप लोग को ई दे रखा है, क्या देखिए ई आप लोग का इसमें बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें देखिए ई बन रहा है, इसमें आप लोग का ई बन रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, ओके गाइस। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में आना बिल्कुल तय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है ओशियन, इसके बाद देखिए आप लोग को महासागर दे रखा है, इधर नदी का यानी कि नाला दे रखा है, फिर समुद्र, हिमनदी और नदी, तो यहाँ पर आप लोग को सही क्रम में बताना है, क्या व्यवस्थित क्रम होगा, तो सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या आने वाला है इसका, ए बी सी या फिर डी में से क्या आएगा, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यही है, सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा उसके बाद, इसी प्रकार से आप लोग को बताना। देखिए अगर हम सार्थक क्रम की बात करेंगे तो सबसे छोटी जो होती है आप लोग की हिम नदी होती, सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा हिम नदी आएगा, ठीक है, यानी कि 4th नंबर वाला पहले आप लोग का आ जाएगा हिम नदी, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का, उसके बाद हिम नदी से छोटी छोटी नदिका बनती है, नदी का यानी कि नाला बनता है जो पिघल पिघल के बर्फ का बनता है, यानी दूसरा वाला आ जाएगा, फिर आपका नदिका से मिल मिलकर दोस्तों बूंदे मिल मिलकर नदी का निर्माण करेंगी तो फिर आप लोग का नदी आ जाएगा, नदी बनने के बाद आपका क्या बनेगा आप लोग का बनेगा सीधे समुद्र, और समुद्र जो है ये समुद्र लास्ट में क्या बनाएगा आप लोग का महासागर बनाएगा, तो इसलिए गाइस आपका आंसर जो होगा यहाँ से सेकंड वाला हो जाएगा, सबसे पहले 4 फिर 2 फिर 5 फिर 3 फिर 1, तो गाइस हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए फिलहाल अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने, आप लोग को यहाँ पर श्रृंखला पूरी करनी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका क्या आएगा, देखिए आपको दिया गया यहाँ पर ए ए सी सी ए बी, फिर देखा बी ए सी ए फिर ए बी ए, तो देखिए लॉजिक कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मैंने देखा सी के बाद हमारा क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ओके ठीक है। अब देखा हमने बी के आगे हमारा क्या आ रहा है बी के आगे हमारा ए आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लिया ए आ जाएगा, ओके ठीक है। ए के बाद हमारा क्या आ रहा है, अब देखिए आगे ए के बाद बी भी आ रहा है, ए के बाद सी भी आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बने, देखिए ए सी ए सी ए बी ए बी, क्या ये लॉजिक लग सकता है हमारा, देखिए एक बन रहा है डबल ए सी, एक बन रहा है डबल ए बी, फिर देखिए डबल ए सी बनेगा तो बिल्कुल बनेगा डबल ए सी, फिर डबल ए बी, फिर आप लोग का ए सी बचेगा तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले क्या आ गया हमारा ए आया, दूसरे नंबर पे भी आपका ए आया, तीसरे पे भी आपका सी आया, 4th नंबर पे आप लोग का बी आया, फिर आप लोग का सी आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा डबल ए सी बी सी, तो ये कहां पर है डबल ए सी बी सी, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने, अब आपको इसका आंसर देना है, देखिए आपको दिया गया यहाँ पर जैसे कि डी आर ई क्यू, फिर दे रखा है जी यू एस टी, फिर है जे के सॉरी जे एक्स के डब्ल्यू, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या आएगा यही लॉजिक आपको समझना है। तो देखा मैंने यहाँ पर डी से जी पर पहुंचने के लिए हम लोग क्या चल रहे हैं, देखिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग का डी ई सॉरी डी आर ई और क्यू, इससे आता है हमारा जी एच सॉरी जी यू एच और टी,
तो डी से हम लोग तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा, ई एफ जी ओके। इसके बाद देखिए हम लोग आर से अगर अगर तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा आप लोग का, आर से तीन स्टेप आगे बढ़िए एस टी यू ओके प्लस तीन स्टेप। इसी प्रकार से यहाँ पर ई से जो है तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग का एच आएगा, क्यू से तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग का टी आ जाएगा। सेम देखिए क्या तीन स्टेप आगे बढ़ने पर आप लोग का ये प्राप्त हो जाएगा, आप लोग को जे एक्स के डब्ल्यू, जे एक्स के डब्ल्यू आ रहा है। तो दोस्तों जी से बोले, जी के बाद क्या आता है एफ एच आई जे ठीक है। यू के बाद तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा वी डब्ल्यू एक्स ओके। एच से तीन स्टेप आगे बढ़िए आई जे के, टी से तीन स्टेप आगे बढ़िए यू वी डब्ल्यू। तो दोस्तों हमारा सब में तीन तीन स्टेप आगे आ रहा है, तो डी से अगर तीन स्टेप पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से ए। अगर डी से तीन स्टेप पीछे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए, आर से तीन स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका आ जाएगा ओ, फिर ई से तीन स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका क्या आएगा बी, और फिर आप लोग का एन आ जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर जो होगा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से जीरो दे रखा है, फोर दे रखा है, एट है, फिर आप लोग का 24 दे रखा है, फिर आप लोग का 64 है, तो करेक्ट क्या आएगा ये आप लोग को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 0, 4, 8, 24, 64, 176, तो कैसे लगाएंगे देखिए अब यहाँ पर कैसे सीरीज है, क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए आपको जैसे कि नंबर दे रखा है आपको जीरो है, आप लोग भी लगाइए जब तक मैं आपको बताता हूँ, 0, 8, 24, 64 और 176। अगला टर्म क्या है आपको बताना है। तो यहाँ से हम लोग चार स्टेप, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने चार स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा कितने कितने स्टेप जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो देखिए जीरो से चार पर आने के लिए चार स्टेप आगे बढ़े ठीक है, चार से आठ आने के लिए चार स्टेप आगे बढ़े, आठ से चौबीस पाने के लिए सीधे 16 स्टेप कदम आगे बढ़े, 24 से 64 आने के लिए सीधे 40 स्टेप आगे बढ़े, और इधर 64 से 176 आने के लिए सीधे हम लोगों ने 112 कदम आगे बढ़ाया। ओके तो फिलहाल आप देखिए यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, अब भी समझ में आपको आया नहीं आ रहा है तो देखिए, अब देखिए चार है, चार से चार में पहुंचने के लिए हम लोगों ने सिर्फ जीरो ऐड किया, फिर चार से 16 में पहुंचने के लिए कितना ऐड किया, सीधे 12 ऐड कर रहा है ठीक है। इसके बाद देखिए 16 से 40 पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या ऐड किया, 24 ऐड कर रहा है, 16 और 24 कितना होता है आप लोग का 40 हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप लोग का 40 में 112 पहुंचने के लिए हम लोगों ने सीधे कितना किया यहाँ पर प्लस का 72 ऐड किया, तो 12, 24, 72 ठीक है। तो अगली बार दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 12 आएगा, तो यहाँ दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा प्लस का 12 ऐड करा दीजिए अगले स्टेप में। तो गाइस प्लस का 12 जो है हमारा ऐड करा दिया जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्लस का 12 और ऐड करा दिया जाएगा। देखिए 12, 24, 72 फिर आपका इसी तरीके की सीरीज 12, 24, 72 फिर आगे प्लस का 12, 24, 72 इस तरीके से सीरीज जो है कंटिन्यू आप लोग की चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का 112 दे रखा है, अगर हम लोग 112 में 12 और ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग का, तो ये आ जाएगा आप लोग का 2, 2, 4 ठीक है, 1, 1, 2 तो 124 प्लस का और ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों 176 में अगर हम लोग 124 अगर ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना आने वाला है, तो 176 में 124 ऐड कर दीजिए, 6, 4, 10, 7, 3, 10 और 1, 1, 1, 3 तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 300 आएगा, तो डी वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस तो फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगर आपको आज की क्लास सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं आप लोग की अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।